मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में अपरगंज बासोदा में भी मंगलवार को ही कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर कर्ज माफी पर उठे लगातार जो सवाल उठ रहे हैं और उसी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कर्ज माफ होगा, प्रक्रिया चल रही और साथ ही यहाँ पर बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और कहा है कि बीजेपी कर्ज माफी के मामले में लगातार भ्रम फैला रही है और जिसके बाद कांग्रेस राज्य में बिजली के बार बार जाने पर भी शैलेंद्र ने कहा है इस पर सुधार किया जा रहा है। विदिशा लोकसभा प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल ने चुनाव में बेरोजगारी, किसान और साथ ही शिक्षा के मुद्दे पर भी काम करने की बात कही। अभी चार दिन पहले से 6 या 7 मार्च प्रदेश में बिजली सरप्लस है, कहीं बिजली की कमी प्रदेश के अंदर नहीं है, तो प्रोडक्शन कम नहीं हो गया कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन अपनी जगह है। लेकिन जिस तरीके से धान की गई और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने और प्रमुख सचिव जी ने भी इस पर नोटिस लिया, ऊर्जा मंत्री ने भी नोटिस लिया और पूरे प्रदेश भर में जो इस तरह के काम कर रहे थे उनको सस्पेंड किया। आप देख रहे होंगे ये स्थिति पिछले 3-4 दिन में सुधर रही है और निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिन में आपकी शिकायत होगी।